हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और एकदम झटपट से आसानी से बन जाता है। आप एक बार यह नाश्ता अपने बच्चों को बनाकर दीजिए, बार बार यही नाश्ता मांग कर खाएंगे और लंच में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है। मैं यहाँ पर ये बारीक वाली सूजी ले रही हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप वो भी ले सकते हो। इसको थोड़ा सा छान लेंगे। ये देखिए सूजी को एक बार ज़रूर से छानिए ताकि इसमें जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। बारीक वाली छलनी से छान लीजिए। ये देखिए ये कितनी मोटी मोटी सूजी निकल गई है। अब हम इसमें डालेंगे दही। मैं यहाँ पर 4 छोटा चम्मच दही यूज़ करूँगी। दही से बहुत ही अच्छा खट्टापन आएगा और जो हमारा नाश्ता है वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी मुलायम मुलायम बनकर तैयार होगा। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच सौंफ और ये 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है और ये 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और हींग लिया है 1/4 चम्मच लाल मिर्ची और ये 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक इसका पतला सा घोल तैयार करेंगे। पानी हमें यहाँ पर एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इसमें जो है लम्स गुठलियाँ पड़ जाएंगे। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत ही अच्छा कलर आएगा इससे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप यहाँ पर अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच बेसन। ये देखिए बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि हमने सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए 10 मिनट के बाद ये सूजी जो है अच्छे से फूल चुकी है। अभी ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। पहले हम इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ डालेंगे। मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन को कूट कर लिया है और ये मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च ले रही हूँ। अगर आपके बच्चों को शिमला मिर्च पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर कोई और सब्ज़ी ले सकते हो। और ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है। मैंने इन सारी चीज़ों को चॉप कर लिया था। ये देखिए आप यहाँ पर पत्ता गोभी या फूल गोभी, गाजर, मटर कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी सब्ज़ी। और मैंने यहाँ पर ये प्याज और हरी मिर्च को भी चॉप किया था, वो भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ मैंने डाल दी हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 उबला हुआ आलू। आलू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम नरम मुलायम जो नाश्ता है हमारा वो बनकर तैयार होगा। इसको ऐसे कद्दूकस करके डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक यहाँ पर ध्यान से डालिए क्योंकि हमने चाट मसाला, पाव भाजी मसाला भी डाला है तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा नमक होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए ये घोल में थोड़ा सा अभी गाढ़ा लग रहा है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बस हमें इतना ही पतला ये घोल चाहिए। अब हम इसमें से थोड़ा सा घोल अलग करेंगे, जितना हमें बनाना है बस उतना ही निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे
बिल्कुल 2 पिंच बेकिंग सोडा, आप यहाँ पर इनो का यूज़ भी कर सकते हो। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर बेकिंग सोडा मिलाने के बाद इसको रखना नहीं है, तुरंत ही बना लेना है। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें ये 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे। आप इसको घी में भी बना सकते हो। ये देखिए तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच राई, और ये मैंने 2-3 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये मैंने सुखा कर रखे हुए हैं। आप यहाँ पर फ्रेश कड़ी पत्ता भी ले सकते हो। बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। ये देखिए, आप यहाँ पर राई की जगह सफ़ेद वाले तिल भी ले सकते हो। और ये देखिए हल्का सा है, राई जो है चटकने लगी है। अब हम इसमें जो हमने ये बैटर तैयार करके रखा था ये डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। ये देखिए सारा घोल हम इसमें अच्छे से डाल देंगे, और अब हम इसको पूरे पैन के अंदर फैला देंगे। ज़्यादा मोटा घोल नहीं बनाना है यहाँ पे, एकदम पतला पतला सा लेयर पूरे पैन में फैला दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद अब हम इसको पलट देंगे। ये बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं। ये देखिए इसको अच्छे से पलट देंगे। ये देखिए अब हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे। हमें यहाँ पर दोबारा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में पककर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए हमें यहाँ पर ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए फिर से पकाया था। अब हम इसको एक बार फिर से पलट देंगे, और ये देखिए कितने अच्छे से ब्राउन ब्राउन डॉट्स आ गए हैं इसके ऊपर। और ये देखिए हमने यहाँ पर इसको 5 मिनट के लिए फिर से पकाया था। ये नाश्ता हमारा एकदम रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन ब्राउन सिककर तैयार हुआ है। बस यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए, मीडियम फ्लेम पर हमें ये नाश्ता तैयार करना है। ये देखिए कितना नरम मुलायम ये बना है नाश्ता। ये देखिए इसी तरह हम इसी पैन में सारा बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए हमें यहाँ पर अच्छे से फैला फैला कर इसको तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है और एकदम झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। आप एक बार ये बनाकर ज़रूर देखना, आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और टिफ़िन में लेकर जाएंगे, बच्चे लंच होने का वेट करेंगे। ये देखिए बार बार ये बोलेंगे कि हमें यही नाश्ता लंच में चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से सीखकर तैयार हो रहे हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। बस सब्जियां काट कर रख लीजिए और सुबह इसको बना लीजिए। और ये लीजिए हमारा सारा जो नाश्ता है वो बनकर तैयार हो गया है, एकदम झटपट से बन जाता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना नरम, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से, जो हमने कड़ी पत्ता डाला था। ये देखिए